सजती है कलिया आशिक नियत तो आशिक ही समझे सवारा करे जो हसीनों की कलिया हम कलयुग में हैं, गौर करेंगे और इसी शब्द पर यह बिरहा आधारित है, ध्यान देंगे। बहुत न्यायप्रिय राजा, छह बेटा एक बेटी, बेटा भी अपने आप में स्थान पाए। बेटिया जब पैदा होती है, जवान होती है, आय है सुंदरता की खान बन गई, जिधर भी जाए बेटी की चर्चा तबे जुबान से लोग ही करें क्योंकि बड़े घर की बेटी है, लेकिन चर्चा हर लोगों पर है, हर जुबा पर है। एक घटना घटती है, एक लाइन संकेत और राजा कैसा संकेत। हमरे आप में चाहे पशुपक्षी में जवानी जब राज वाले तरुणाई अवस्था पर कितनो सिसिल चेहरा होला ओकरे अंदर लाइट बढ़ जाले। कोई सही पर घर का बेटी है, सुंदर तो ऐसे ही है, संस्कारिक सुंदर है, पारिवारिक सुंदर है, लेकिन एक दिन अपन ही बाग में टहलत है मंद गत से तीव्र गत से चलत है कहीं जवानी के मद में पागल भई है।
सोच कही बा, नजर कही है, निशाना कही है। आए है वही बीच में एक नौजवान कहीं से अनजान आ गया। आज जब इसकी सुधराई सुंदरता को देखा तो ऊ एकरे में डूब गल। गजब का रूप है भाई, माली सच्चों के फुर्सत लेके एक सवरले हुए। एकरे में डूबल है अपने आप में, खाली नीचे ऊपर होकर लंबाई चौड़ाई की है कुल नाप तौल करत है। और तब तक गई वो लड़कियां लड़ गई, अचानक लड़ गई। जब लड़ गई तो बोल पड़ा नौजवान, भाई मैडम आप में ब्रेक नहीं है क्या? पैसा था मेरा पहले बड़ा दूध। आज जब ये सुन लस कि आप में ब्रेक नहीं है, एक नौजवान लड़की नौजवान के मुंह से सुनी तो नीचे ऊपर ताका लगा। हमारी में ब्रेकवो हो का, हम जान ना पौली ब्रेकवा लगल कहे ना है। ये रबड़वा किया कैसे गलत का बहुत लगाऊ लहू तो ना है। देखे ये बिरहा का सिंगार है, आजकल उधार करके गवा था लेकिन बिरहे का यही सिंगार है। लेकिन जवान बोल पड़ा, आप तो राजकुमारी लग रही हो, अब तो बिजली दौड़े लगल। हमार पूरी पहचान जानत हुए, पूरा जन्म कुंडली जानत हुए। केहू का तारीफ सामने से कह दहल जा, अगर सिफिल चेहरा है ना अच्छा रूप रंग हो और ओकर तारीफ कह दहल जा कि बहुत सुघर लगत है। तनी सतात निकलल है कह दहल जा कि एकदम बतीसी मती चमकत है। तो शायद जेकरे विषय में कहल जाला उस सोची कि तनी सतातवा और बहरे हो गल हो और लाइट देले हो। ये है बड़प्पन है, लेकिन मेरे विषय में नहीं जानोगी अवंतिका, जिसे आप इतिहास के पन्ने में उज्जैन कहते हैं। आज मैं वहां का राजकुमार हूँ। अरे बाप रे बाप, अपने आप में अब नर रह गई। लेकिन जवान समझ गया, बोला वैसे नहीं, कभी सज धज के आऊंगा, टोली सजा करके दुल्हन बना के लेके जाऊंगा पड़ाव पर गल। अब पड़ाव का परिणाम है कि रोज मिले जुले में बतिये बिगड़ गई। मतारी के पता चल गल, मतारी जब जान गई तो करीब में जाती है, बोली का बड़ा न्याय प्रिय बनेला। हंस गई गाड़ी। आज जब अनंग पाल जाने तो एक बात कहले कहले का, हम राजा हैं और कलंकित हो जाएंगे, तुम मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे प्रजा के अंदर। हमारी रैयतें संतान हुआ करती है, तो आज जैसे इनके बीच में हम फैसला लेते हैं, अपने परिवार में भी फैसला लेंगे। गायब कर दो बेटा, रहन बास बजे बसुरी। सुबह हुआ भाई मंत्रा के हिसाब से अपने काम को अंजाम देने चल दिए। एक लाइन तर्ज का संकेत और माटी का गीत है। क्या भाव है इस माटी के गीत में? तमाम तमाम गीत गवा ले, लोग कहला कि एकदम नई नई है। जब ले अपने माटी का धरोहर न उठा के रखल जा तबले भाव न आवे।
भाई एक को ना छटेंगी महुआ चैनल में, शोध बदे छाटे की जब भयल तो पहली ये गीत छाट करके शोध के लिए भेजी गई। और जितना भी गीत कलाकार ने छटेगी सब माटी की गीत छाटी गई। यही पार रामाश्रय बाबू, यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो, वही पार अजीब सा कुआं देखे, कुआं देखे, अच्छी फर्श देखे, सोचे यही विश्राम किया जाए, सुबह में प्रस्थान करेंगे। विश्राम की नियत से पड़ाव पड़ गया। आज जब जंगल की हवा, अच्छी हवा मिली बहन को, तो गहरी नींद में सांस लेने लगी। भाई अपने काल को अंजाम देने के तलाश में ही थे। आज जब बहन सो गई तो करते क्या है, जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका कर सके जो जग बैरी हो। कौन सी ऐसी शक्ति है गहरे कुआं में फेर करके चल दिए, जाओ साली न जिंदा रहोगी न तो हम लोग कलंकित होंगे। लेकिन जब पानी की सतह पर वो नौजवान लड़की पड़ी तो उसे एहसास होने लगा कि मैं फूल की सैया पर हूं। यही जन बिरहा में कभी जी भाव दिलन बड़ी अजीब मांग कहले हमारे गार्जियन महोदय, कली महोदय नंदलाल भी चाहेगा यहाँ जितने लोग आए हैं हर लोग बिरहा सुनकर के गीत सुनकर के ये न कहते चले कि गौला सरना ये अपन कर्म हो कर्तव्य हो। रास्ता पकड़ के महात्मा आ रहे हैं, कुआं देख के सोचे पानी निकाल कर प्यास बुझा लो,
और कुआं में जब नजर पड़ी नौजवान लड़की को देखे तो लड़किया के बहरे कह दहल कैसे कह दहल अभी है तो सोचे वाली बात है। अकेले है कुआं से लड़की को बाहर कर दिए और जब बाहर कैले तो लड़किया तुरंत सवाल कर दिलस हे बाबा आप के हुआ हम बड़ा मजे में रही है कल अरे मैं इसका सम्मान किया और उल्टा ये सवाल कर रही है कलश की कम से कम इतना बताता कि आप के हुआ कल की जानना चाहोगी बेटी जानना चाहोगी मेरे विषय में तो सुन बता रहे हैं क्या साधु कलजू का नाम ले थोड़ा बाबा मतलब हम समझ ली ना नहीं जानी बेटी हाँ बाबा पहले अपन पहचान बतावा कल की नहीं मानोगी तो सुनो कैसे कह बताई कौन कैली मैं हूँ बेटा बहुत बड़ा बहादुर था मेरे नाम से लोग कांपते थे लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई मित्रता पार करने के लिए पांडवों का गर्दन काटना चाहिए था मैंने पांडव के बच्चों का गर्दन काट दिया भगवान कृष्ण मेरे ललाट की मरी निकलवा ली है और मैं बिल्कुल निर्जीव सा बन गया लज्जा के मारे देख इतना दूर जाके निवास किया कि न कोई हमको देखे न हम किसी को देखे कलश बाबा कलजुग में द्वापर पे अश्वत्थामा हाँ बेटा जान गई अब जा कलश की अब तैयार ना जाए अब तो तू ही है जगह बाबा बा अरे जितना दुखी तू हुआ उससे कम दुख में हम ना है अब हमके तू ये जगह हो इतक कुआ मरे के स्थान या आपका सेवा कल कितना बड़ा बंधक मत बांध बेटा परेशान हो जाएगी कलश की दूठे में एक ठेके आदेश करा बाबा एक के आदेश करा कल तब मरे बदे कैसे आदेश करा चल हमारे साथ यही जन से बिरह मुड़ गई क्या बात है धीरे धीरे 7 वर्ष का उम्र हो गई
पालने लगे। 7 वर्ष की उम्र में हुआ, जंगल में घूमते थे, घुमाते थे, सारी हालात के विषय में अवगत कराते थे। वो लड़कवा भयल कैसन, अरे हुआ कभी धनुष विद्या का महत्ता लग गुणकारी हो, फिर रहे जंगल के बीच में मारक पार संकारी हो। एक बार से गिर जाए कुल से रवा साधु बाबा हो, तुझे बात से याद आलन तजा रवा साधु बाबा हो। समता स्वतंत्रता बंधु जंगल में कायम कर दिया, एकता की मिसाल बना दिया। हम आदमी होकर के पढ़ लिख करके एकता नहीं बना पा रहे, और उस समता बराबरी स्वतंत्रता आजादी बंधुत्व भाईचारा कायम कर दिया। लोग बतावल कि बिरहा में गीत में पहले राग गवा, सवाल करे वाले ककहरा वाले भैया पहले राग गवा, और राग कैसन गवाए। यही तरह का गर्मी पड़त रहे, दिन रहे, मेघ राग अगर कलाकार गावे तो पानी बरसे लगे बजरी आ जाए। दीपक राग बुझा हुआ चिराग, बिना सलाई के बिना आगी के दीपक राग गवाए तो चिराग जल जाए। ये है गीत, ये है संगीत। उ लड़का इतना निपुण भैल कि जंगल में नर भक्षों के साथ रोजाना खेला करता है, कीड़ा करता है, और सब एकट्ठा होकर के एक दूसरे से समता का भाव दर्शाते हैं। अब कहीं किसी से कोई भय नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कह देना आसान है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कितना दिन तक चली, क्या बात है। सोमेश्वर शिकार खेलते उसी स्थान पर पहुंच गए। पहले दूर दूर लोग खेत करे जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, देखा 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 शिकार खेलने की प्रथा उस समय नहीं रही होती तो राजा दशरथ गाजीपुर महाहर में मर्दा के बगल में श्रवण कुमार को शब्द पे भी बाण नहीं मार पाते। शिकार खेलने आए थे और शब्दवेधी बाण मारे। सवाल उठता है कि शब्दवेधी शब्द पर लगना चाहिए तो बीच में छाती को क्यों पार किया। लटक करके कमंडल से पानी भर रहा था, आया है तब तक पीठ को लक्ष्य किया, पीठ को पार किया, पीठ में लगा छाती को पार किया, कमंडल को लक्ष्य किया, पीठ में लगा छाती को पार किया, कमंडल को लक्ष्य किया। श्रवण कुमार आपके धरती महाहर में
आए हाय मार दिए गए मेरे दोस्त, ये शिकार खेलने की भूल थी। अनजान में मारे कि जान में मारे वो तो बात अलग है, लेकिन पर्दा सामने आईना बताता है कि शिकार खेलने आए थे। आया है देखना वो लड़का के हालात में आवाज हो गए। जब सारे के सारे जानवर चले गए तो नजदीक में जाकर बोले, बेटा कौन है तू, और कोई है कि अकेला? लड़का हंसल गल है, मनई बताई कौन सी जवाब मिला दे। आए है कुटिया की तरफ लेकर के जाने लगा, लिखे के पड़ल जो एक क्षण में हमारी बन गई, हम इसके बन गए, लेकिन आज इस मुकाम पर मिली। आय हाय हाय, और तबले महात्मा जी आ गए। कलंक बेटा मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, आओ हम कलंक मिटा देता हूँ। मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिलन, बड़ी व्यवस्था हो शादी के, लेकिन मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिए। हुआ सुबह तब उस गुड़िया से सोमेश्वर चौहान, अरे पत्नियन बेटे को लेके छड़ चले हम कहां तक पहुंचे, दिल्ली की नगरिया तुम्हारी पर खड़ी। बाबा अपने वतन को जाऊंगा। जा बेटा, कलंक मिट गया, अपने उज्जैन ना गई ले, दिल्ली गई ले, और दिल्ली में भीषण संग्राम मचा हुआ है। राजा के छह बेटा कत्ल कर दिए गए, सेना मार दी गई, रथ पर सज करके पत्नी तो धर्म निभाने जा रहे हैं। और तब तक जा करके सावित्री कही, बाबा प्रणाम, जिंदा हो बेटा? हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से जिंदा हो। नहीं बैंग न कस बेटा, अब तेरा बाप जा रहा है, वापस नहीं आएगा। इस गद्दी को संभाल, कलश की गद्दी पर हम न बैठा बाबा, गद्दी पर बैठा वाला पैदा है। कहला के रे ये क्या कर रही है, ये तने ना लड़ाई के मैदान में जाएंगे, विजयी बन के आएंगे, लेकिन ये लड़कवा का सहारा लेवे के पड़ी, एक सेनापति तो बनवे के पड़ी। कन्हैया या बोध है बेटा, कलश के करे बोध का पता मैदान बताई कि ये आदेश तब उस पर चेतन राजा अनंतपाल दुश्मन के टोली पीछे हटा दिया। ये क्या देख रहे हैं, भारत के धरती पर कलयुग में अजीब हालात देख रहे हैं, कभी सतयुग में ऐसन बाण लोग मार रहे हैं, कभी त्रेता में ऐसन बाण मार रहे हैं, कभी द्वापर में ऐसन बाण मारा, द्वापर में तो आवाज बंद बाण मारा जाता था, वो भी वीर एकलव्य के द्वारा। कलयुग में कहां से ही पैदा हो गए वही में गए, तनिके भर में मैदान खाली, लड़का हंसा था, वापस आवत हूं मैं। और जब वापस आवत हूं तो मने मने मंत्रणा करत हूं कि लड़का जोगे बा, अब के गद्दी पर बैठावल जरूरी हो गल। वापस आए तब जाने ये बालक पर ये बिरहा
आधारित है। कलयुग में भी शब्दवेदीमान मानने वाला पृथ्वीराज चौहान। और इतना ही नहीं, कल बड़ी बहुत बड़ी खुशी हुई जब एक मास्टर इंटर कॉलेज की आए, बोले कि रवि जी आपका बिरहा सुन के हम परीक्षा में एक पॉइंट पा गए। मैंने क्या पा गया? कल की विदेश में जाकर के कौन कौन मारे तो तीन आदमी निकले, मदन लाल भिंगरा, पृथ्वीराज चौहान, सुहर चमार का बेटा वीर उधम सिंह, तीनों आपके समाज से, दलित बैकवर्ड समाज से, गरीब समाज से, विदेश की धरती पर जाकर के आए हैं अंग्रेजों को मार करके बदला लिए। इसलिए ये बिरहा का नाम हो कलयुग का शब्दवेदी, कलयुग मानने का हो। कल का युग है, पाठ पुर्जों का युग है, मशीन का युग है, कलयुग माने कलम का युग है, कलयुग माने किताब का युग है, कलयुग माने शिक्षा का युग है। जिसके अंदर शिक्षा होगी कहीं भी किसी मोड़ पर सफल रहेगा, उसकी पहचान लाइट में होगी। गुरु बिहारी गुरुदेव हरिनंदन राम जी आमन कथन करे के सर्वदेव रंधारी पुष्कर